हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भाव मार्केट का। तो चलिए दोस्तों, आज हम ऐसे एक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं जिसको आप फॉलो करके छप्पर फाड़ के पैसे कमा सकते हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बुलिश पैटर्न के बारे में। जो कैंडल बुलिश बनता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बुलिश एंगल्फिक कैंडल। ये जब पैटर्न फॉलो करते हैं इसको तो पैसे पैसा कमा सकते हो, लेकिन इसका रूल्स भी है कि कभी भी ये डाउन ट्रेंड में बढ़ना, जैसे इधर कुछ चार्ट में अगर कहीं है तो मैं दिखाता हूँ आपको बुलिश एंगल फिंग इधर कहीं भी नहीं। ये देखो, ये रहा यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बना फॉर्मेट। देखो यहाँ पे बुलिश एंगल फिंग, यहाँ पे कैंडल बनने के बाद देखिए इसका एक रूल्स भी है, वो फॉलो करिए आप। जब भी कभी डाउन ट्रेंड में ऐसे बनता है ना, डाउन ट्रेंड बनने के बाद में जो प्रीवियस डे की कैंडल होता है उसके ऊपर क्लोज करना, तभी जाके वो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल होता है। और उसके बाद में देखिए ये सीधा कितना गया ऊपर, देखिए लगभग 680 से 780 100 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया इसने हमारा जो बैटरी। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट कैंडल में चलते हैं अपन। नेक्स्ट कैंडल है हमारा मॉर्निंग स्टार। चलो मॉर्निंग स्टार कैंडल ये देखिए ऐसा बनता है, लेकिन चार्ट में जब आप देखोगे ना तो करेक्ट ऐसा नहीं बनता, वो ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है। तो चलिए हम उसको पैटर्न को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। मॉर्निंग स्टार किधर बनता है देखते हैं। इधर है, यहाँ पे है करेक्ट एग्जैक्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है मॉर्निंग स्टार का पैटर्न। ये डाउन ट्रेंड में यहाँ बना और यहाँ से देखिए ऊपर गया फिर। और इसका अपने को कंफर्मेशन कब मिलता है, जब इस नेक्स्ट प्रीवियस डे की कैंडल को ब्रेक करके क्लोज करें अपन, तब जाके कंफर्मेशन मिलता है। और यहाँ पे अपन बाई करते हैं तो यहाँ से देखिए कितना गया मार्केट। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा बुलिश पियर्सिंग कैंडल। ये देखिए ये कैंडल ऐसा है ना, ऐसा कैंडल डाउन ट्रेड में, ये भी डाउन ट्रेड में ही बनता है। तो चलिए इसको भी ढूंढते हैं, ऐसा एग्जैक्ट पैटर्न में आपको दिक्कत होगा कहीं ना कहीं बनता होगा। ये देखो ये एग्जैक्ट फॉलो कर रहा है उसको, ये वाला कैंडल देखिए आप, ये वाला मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये वाला कैंडल है, ये कैंडल देखिए, ये एग्जैक्ट फॉलो कर रहा है उसको। इसका रूल्स होता है कि जो प्रीवियस क्लोजिंग होती है उसके नीचे गैप डाउन खुलना और इसका जो हाफ बॉडी होता है ना उससे ऊपर क्लोज करना, तब जाके ये कैंडल का रूल्स फॉलो होता है। और उसको एंट्री अपने को नेक्स्ट और इसके प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर ही, हाई के ऊपर ही एंट्री करना अपने को। ये रूल्स आप फॉलो करते रहिए और पैसे कमाते रहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है अपना ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये वाला ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसको भी चार्ट में ढूंढते कहीं ना कहीं मिलता है क्या। ड्रैगन फ्लाई डोजी ऐसा एग्जैक्ट तो कभी भी चार्ट में फॉलो होता नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है। वो एग्जैक्ट मिलना मुश्किल है चार्ट में कहीं कहीं, देखते हैं किधर तो किधर मिलेगा ही मिलेगा अपने को चार्ट के अंदर। इसमें नहीं मिल रहा है, हिंदुस्तान में तो कहीं भी नहीं है, ओलो नहीं मिल रहा है। ये मिला है लेकिन ये तो हैमर टाइप में बन गया है, ऐसा ही बनता है। लेकिन उसमें क्या है कि ये ऊपर का नहीं होता है, खाली यहीं पे बॉडी बनता है उसको। देखते हैं ना कि ये हैमर टाइप है, ये भी हैमर टाइप है। ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं मिल रहा है जी। नेक्स्ट में देखते हैं किधर है कहीं, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है इस चार्ट में, इस चार्ट में भी कहीं नहीं मिल रहा है ये ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ जी, ये मिलने वाला नहीं है इसमें किधर भी। जैसे ये कैंडल बन रहा है ना इधर, ये वाला कैंडल, ये ऐसा कैंडल बनता है ना, इसके ऊपर ये विक्स नहीं रहता है,
बिल्कुल भी। और ये ऊपर बिल्कुल जहाँ ओपन हुआ था वहीं क्लोजिंग होता है, तो उसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। और इसका कंफर्मेशन में भी यही है कि इसके ऊपर एक क्लोज कैंडल करे, उसके बाद में अपने को एंट्री करना है। और स्टॉप लॉस इसका लॉक से थोड़ा एक दो पॉइंट नीचे रख के फिर बाय करके बैठ जाना है। स्विंग ट्रेडिंग है आपका, ये मन 1 महीने का 2 महीने का है, तो कम से कम देखिए आप कितना गए यहाँ से। देखिए 114 रुपये से, नहीं सॉरी, इसको अपन यहाँ से पकड़ लो थर्ड कैंडल पे, सेकंड तो ये होता है अपना अपना एंट्री पॉइंट यही होता है। तो 115 रुपये से देखिए ये स्टॉक कहाँ पे गया, 145 यहाँ पे गया, 152 रुपये, छोड़ दो उधर नहीं यहाँ तक तो कम से कम ले सकते थे, 140 तक तो भी एक कम से कम 20-25 रुपये का मिल गया अपने को प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट कैंडल है अपना इन्वर्टेड हैमर। ये कैंडल है, ये चार्ट में ढूंढते कि मिला इन्वर्टेड हैमर तो बहुत बनता है कैंडल, और चार्ट में ही फॉलो हो जाता है, कहीं ना कहीं मिल ही जाता है ये इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर। ये रहा, ये देखिए इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट वो कर, ये देखिए ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, देखिए यहाँ पे इसका भी रूल्स है, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करना और उसके ऊपर को अपने को एंट्री करना है, और स्टॉप लॉस यहाँ का है इसके नीचे का, ये जो है ना यहाँ के नीचे का डाल के बाय करके बैठ जाएंगे। ये स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है आप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कैंडल का बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कैंडल है हमारा मारुगोजू। मारुगोजू कैंडल ढूंढते देखे चार्ट में किधर है। मारुगोजू भी बहुत कम चांस है मिलने का आपको, जैसे देखिए ये तो अप ट्रेंड में बना है लेकिन ये भी मारुगोजू नहीं है। मारुगोजू कैंडल, मारुगोजू कैंडल देखिए, ये जो कैंडल बना लेकिन इसके नीचे भी है, विक्स बना हुआ है। मारुगोजू कैंडल बोले तो विक्स नहीं रहता नीचे, नीचे और ऊपर दोनों साइड में विक्स नहीं रहता। देखिए जैसे ये बना हुआ है इधर, ये जब चालू हुआ तो देखिए गैप अप खुल के यहाँ से दौड़ा है लेकिन ऊपर जाके फिर सेलिंग आ गया इसमें और ये विक्स बन गया। मारुगोजू कैंडल में ये विक्स नहीं बनना है, तो इसमें वो क्या प्योर बुलिशनेस होता है, उसमें नीचे से खुल के सीधा ऊपर तक बायर पकड़ के लेके जाते हैं, उसको ही मारुगोजू कैंडल बोलते हैं। ये इधर किधर भी नहीं है पैटर्न में अपने को कहीं भी ढूंढे तो, ये बहुत कम फॉर्मेट होती है ये कैंडल, कभी कभार ही होता है ऐसे देखने को मिलता है, जब पूरा बुलिश ट्रेंड होता है तभी मिलता, नहीं तो चांस नहीं है कहीं मिलने का, ये किसी कैंडल में नहीं मिल रहा है ये गाइस, ये तो किसी में भी नहीं मिल रहा है, ऐसा चांस कम रहता है, कभी बुलिश फुल बुलिश ट्रेंड होता है उसी में बनता है, नहीं तो नहीं बनता है, ऐसा फॉर्मेट बहुत कम होता है कैंडल। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है थ्री ग्रीन सोल्जर, ये भी डाउन ट्रेंड में बनता है, इसको भी ढूंढते कहीं चार्ट में देखें। जस्ट फाइनेंस में दिखा तो मैं कहीं ना कहीं कल परसों देखा था मैंने, एक जगह बना हुआ है ये रहा इधर, यहाँ पे देखिए इसका रूल सोचता है, नेक्स्ट कैंडल जो प्रीवियस कैंडल होता है ना उसको जब नेक्स्ट डे की कैंडल गैप डाउन में खुलना, गैप डाउन में क्लोजिंग से गैप डाउन में खुलना और फिर ऊपर जाना, ऐसे देखिए तीनों कैंडल ऐसे ही हुआ, इसके क्लोजिंग से फिर गैप डाउन हुआ, ऐसे करके ये तीनों का यहाँ पे फॉर्मेट बन गया, तो ये थ्री सोल्जर बोलते हैं इसको। ये एग्जैक्ट तो जैसे चार्ट में दिखा था वैसा तो आपको मिलेगा नहीं, कहीं ऊपर नीचे किसी में विक्स बनती है, किसी हैमर टाइप में बन सकती है, कैसे भी बन सकती है, जैसा चार्ट में पीडीएफ चार्ट में दिखाते ना वैसा फॉर्मेट कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम चांस है कि वैसा सेम फॉर्मेट आपको मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाले में चलते हैं। अब ये है मॉर्निंग डोजी स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार भी कहीं ना कहीं ढूंढते हैं अपन स्टेट चार्ट के अंदर। मॉर्निंग डोजी ये भी डाउन ट्रेंड में ही बनता है, मॉर्निंग डोजी तो बहुत बार बना है अपने निफ्टी 50 में भी बहुत बार बना है। मॉर्निंग 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 स्टार कैंडल किधर है, सेम वैसा पैटर्न आपको जो दिखाता है ना वैसा पैटर्न तो आपको मिलेगा नहीं प्रैक्टिकल में, जो ये चार्ट दिखाता है ना वैसा नहीं मिलता आपको,
जैसे ये भी देखिए, ये स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं इसको, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं दोनों। ये वैसे एग्जैक्ट में स्पिनिंग टॉप का ही फॉर्मेट हुआ। मॉर्निंग स्टार बोले तो कैंडल का जो बॉडी होता है ना, उस बॉडी का दोनों साइज में बराबर होता है और बॉडी सेंटर में होता है, तब उसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। जैसे मॉर्निंग स्टार कहाँ है, इधर कोई फेरमेंट हुआ नहीं है, इधर हुआ तो मैं बताता आपको। मॉर्निंग स्टार कदर अप ट्रेंड वाले नहीं है, नहीं ये अप ट्रेंड में देखिए यहाँ पे हुआ है एक, ये फॉर्मेट वाला देखिए ये, लेकिन ये अप ट्रेंड गया तो इससे डाउन आया। ये देखिए ये वाला, ये जो पैटर्न हो रहा है ना यहाँ पे, देखिए ये वाला फॉर्मेट, इसको इवनिंग स्टार बोलते हैं। और ऐसा ही कैंडल सेम नीचे बनता है ना, उसको मॉर्निंग स्टार बोलता है। ये तो ऊपर की साइड में बना है इसलिए इसको इवनिंग स्टार बोलता है। ये कैंडल का रेड हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं अपने को। नेक्स्ट कैंडल पैटर्न कौन सा है अपना, लास्ट बचा है हैमर का कैंडल। हैमर कैंडल तो बहुत बार फॉर्मेट होता है एनी टाइम। ये देखो इधर भी हैमर का कैंडल है, यहाँ पे भी हैमर कैंडल ये बना हुआ पूरा, ये हैमर कैंडल है, हैमर का ही फॉर्मेट बना हुआ देखिए ये वाला, ये वाला कैंडल। ऐसे कैंडल तो और मिल जाता है बहुत अपने को देखिए। हैमर का ये इधर हैमर बना है, ये तो स्पिनिंग टॉप है, इसको छोड़ दीजिए। ये पे हैमर बना है, बहुत कैंडल बना देखिए, यहाँ पे हैमर बना देखिए, यहाँ पे ये हैमर का कैंडल पैटर्न हुआ है, यहाँ पे भी देखिए ये भी हैमर कैंडल बना है। लेकिन इसका रूल्स होता है, जब भी सपोर्ट होता है ना, जो भी कैंडल अपने सब भी मैंने जितना बताया, मैं बताना भूल गया था आपको, जब भी कैंडल का फॉर्मेट होता है ना, वो नीचे सपोर्ट के बाजू में बनना। जैसे डाउन ट्रेंड आया यार, यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट के बाजू में हैमर कैंडल बना, ये देखिए ये बना, इसके नीचे ये क्लोज भी हुआ, लेकिन क्लोज नहीं सॉरी गैप डाउन हुआ। नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होकर नीचे आया, फिर उसके नेक्स्ट डे ब्रेक डाउन गैप डाउन खुल के यहाँ से दौड़ा देगी, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे। अपन जैसे डेली कैंडल का फॉर्मेट पे करते हैं, पैटर्न पे करते हैं, तो इस डेली कैंडल का जो होता है ना, उसके लो के नीचे एक क्लोजिंग से तो कम फॉर्मेशन नहीं आता, कम से कम दो क्लोजिंग नीचे होना तब जाके अपना स्टॉप लॉस होता है कभी भी। नहीं तो ये क्या अपने को पागल बनाने के लिए नीचे आके एक दिन क्लोज करके फिर वहीं से ही घूम जाएगा, तो एक दिन के क्लोजिंग पे भरोसा नहीं करना कभी भी। कम से कम दो कैंडल क्लोज होना तभी जाके अपन उसको भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने बुलिश पैटर्न वाले जो 8-9 के पैटर्न है बुलिश का, वो आपको बता दिया। उसको फॉलो करके आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं इसमें, मर्जी है जितना आपका चॉइस है। और इसका आपको पेशेंस चाहिए, बिना पेशेंस का आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का यही एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग गया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।